तो गाइस वेलकम टू दिस प्योरिटी स्वीक ऑफ डेथर्टी फोर तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है और अपने इसके सॉल्यूशंस गेस कर पा रहे हो तो काफी अच्छी बात है नहीं तो आओ साथ करते हैं समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सब सिक्वेंस आज क्वेश्चन का नाम है गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड द मैक्सिमम लेंथ बाइटनिक सब सिक्वेंस एंड द डेफिनेशन इज गिवन एज इफ इट इज फर्स्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो ठीक है पहले एरे को पढ़ लेते हैं 2 2 5 5 3 के लिए आंसर दे रखा है

But if you skip this B and you just write A C, then this is known as subsequence. Okay. If you skip B and you write A C D, this is subsequence. B D, this is subsequence, right? But B C D is also a subsequence, but this is also a subarray. Okay. So, means every subarray is a subsequence, but not the vice versa. Okay. So, let's go to the question. Okay. So, okay. तो ठीक है यार तो ओके 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 तो दूसरा लिए पढ़ लेते हैं वन एलेवन टेन ये इसके एलिमेंट्स हैं एंड सिक्स एंड द आंसर इज गिवन एज द बैटोनिक सब सिक्वेंस विल बी वन टू टेन लाइक वन टू देखो इसने इलेवन स्किप कर दिया दैट्स व्हाट इज इन सब सिक्वेंस वन टू एंड टेन एंड देन टेन के बाद देखो अभी तक इंक्रीजिंग था वन टू टेन दिस इज इंक्रीजिंग एंड टेन के बाद फोर टू वन दैट इज डिक्रीजिंग तो इसलिए इन्होंने लेंथ इसका सिक्स प्रिंट किया ठीक है तो ऐसा कंसटेंट पढ़ लेते हैं टेन की पावर थ्री सो वी कैन कोड दिस इन ओ ऑफ एन ओ ऑफ एन स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि एन स्क्वायर टेन पावर सिक्स जाएगा इज इजन इक्वल टू एट और वही हमारी एक्सपेक्टेड भी दे रखी है तो चलो यार अब इसका लॉजिक ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले इस टेस्ट केस को कॉपी करके ले चलते हैं okay, तो ठीक है यार तो मैं इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास वन टू फाइव थ्री एंड टू के लिए इन्होंने बोला कि जो हमारा आंसर है मतलब तो कैसा होना चाहिए सपोज लेट्स से एलिमेंट एक यहाँ पर है और यहाँ तक ये यह जो है इंक्रीजिंग होना चाहिए एन देन इसे डिक्रीज होना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना होगा लेट्स से वी आर एट दिस पोजिशन फाइव तो हमें चेक करना होगा कि इसके पीछे जो है यहाँ से लेके के यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस क्या हो सकता है मतलब हमें LIS form कर, निकालना होगा और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है, like, uh, है ना तो अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करें तो हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस क्या हो जाएगा वन टू फाइव है ना और इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस टू का फाइव भी होगा बट सिंस यू लॉन्गेस्ट तो और उसमें फाइव इंक्लूड होना चाहिए एज अ लास्ट एलिमेंट राइट क्योंकि हम इसी के परस्पेक्टिव से चेक कर रहे थे तो हम देख सकते हैं कि अगर वन को भी ले लिया टू को ले लिया फाइव को ले लिया तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग एंड लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सिक्वेंस यहां से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि फाइव के बाद थ्री है थ्री के बाद टू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर दो वी कैन टेक द लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी थ्री टू और ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया है कि इसकी लेंथ है हमारे पास एक्स एंड इसकी लेंथ है हमारे पास वाई

तो मैं क्या कह रहा हूँ चलो इसके लिए डायरन करके देख लेते हैं तो वन टू फाइव थ्री टू इसके लिए हम लोग सबसे पहले एल आई एस निकालते हैं तो हम सिर्फ इस पॉइंट पर हैं ना और हमें लेफ्ट पार्ट में निकालना है सो वेन जब हम इस पॉइंट पर हैं इस पे तो हमें ये राइट वाले सब को भूल जाना है एज इफ एलिमेंट्स आर नॉट वी जस्ट हैव टू कंसीडर द लेफ्ट पार्ट टू फाइंड द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मैंने अभी समझाया था यहाँ पर तो वन के लिए तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यार उसके लिए आंसर क्या हो गया बस एक अकेला वन दैट इज सिंगल एलिमेंट टू के लिए मैं देख रहा हूँ अब हमें टू के लिए हमें इन दोनों कंसिडर कर सकते हैं है ना तो ये देख रहे हैं खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा ये सबसिक्वेंस uh, तो ये टू हो गया फिर मैं फाइव के लिए देख रहा हूँ कि वन टू फाइव खुद ही पूरे ऑर्डर में तो मैं थ्री लिख देता हूँ फिर मैं देख रहा हूँ वन टू फाइव एंड थ्री जिसमें थ्री तो इंक्लूड होना ही चाहिए मतलब हमें उन एलिमेंट्स को ढूंढना इन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज एक्चुअली लेस देन इक्वस टू थ्री और वो भी क्या ऑर्डर में होने चाहिए तो मैं ऑर्डर इज ये उठा लेता हूँ वन कॉमा टू एंड देन थ्री तो इसके भी लेंथ हो गई थ्री

इस पॉइंट पे हमने वन कॉमर टू कमर थ्री कंसिडर किया और इस पॉइंट पे हमने 1, 2 किया आपको ये है ठीक है तो अब ओके अब वो कर लेते हैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग निकाल लेते हैं हमारे पास एलिमेंट्स एलिमेंट फाइव थ्री एंड टू राइट और हमें क्या चाहिए एल डी एस एल डी एस में क्या करना है अगर हम इस पॉइंट पर है ट ठीक है तो जब हम वन पर है एंड वी वॉन्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर तो वन से छोटा कोई एलिमेंट तो है ही नहीं यार तो लिए आंसर वन हो गया वेन वी एट दिस सेकेंड पॉइंट टू तो इससे भी छोटा कोई एलिमेंट है नहीं तो इसके लिए भी आंसर वन ही हो गया बट वेन वी एट दिस पॉइंट ये फिफ्थ एलिमेंट पे जब है देन वी हैडिंग ऑर्डर तो इसके लिए आंसर हम क्या 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 बना सकते हैं इस पॉइंट के लिए फाइव so को इस पॉइंट के लिए हम क्या आंसर बना सकते हैं थ्री कॉमा टू राइट दैट गिव्स अस आंसर एज टू एंड इस पॉइंट के लिए हमें क्या बना सकते हैं लास्ट एलिमेंट टू तो होना ही चाहिए बट इसके राइट right में कुछ बचा ही नहीं तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा वन ठीक है और हमें पता है हमने अभी ये डिसाइड किया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे एल आई एस और एल डी एस मिल गया देन यू जस्ट हैव टू सम इट एंड माइनस वन करना है क्योंकि ये जो जिस परस्पेक्टिव में सोच रहे हैं वो रिपीट हो रहा है वो एलिमेंट ठीक है यार तो अब एक बार इसको लिख लेते हैं वन टू थ्री थ्री टू ये यहाँ से आया था दिस वॉज द एल आई एस पार्ट

तो एल आई एस तो भाई एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इसको तो हम आराम से कोड कर सकते हैं ये प्रॉब्लम तो अब रही नहीं है ये प्रॉब्लम तो अब एल आई एस की प्रॉब्लम बन चुकी है उसका एक वेरिएशन कह सकते हो तो बट ये एल डी एस कैसे निकालें यार सपोज हमने एल आई एस को कोड कर भी लिया तो एल डी एस कैसे निकालेंगे तो मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग आ रे है हमारे पास एग्जिस्टिंग आ रहे कौन सा आ रहे हैं वन टू फाइव थ्री टू ये हमारे पास एक्सटिंग आ रहे हैं मैं कहता हूं कि इसको रिवर्स कर देते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं रिवर्स करने के बाद क्या आएगा टू थ्री फाइव टू वन और इसका एल आई एस निकाल देते हैं इसका एल आई एस निकाल देते हैं एंड देन उसको भी रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा वो एल डी एस की इक्वल आ जाएगा नहीं आ जाएगा आप खुद ही सोच के देखो ना आप हमें क्या हमें एक ऐसा एरे है जो हमने इसका एल आई एस निकाल दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके हमें सेम चीज रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं चलो यार करके देखते जो मैं बोल रहा हूँ मैंने को रिवर्स कर दिया है दिस इज द रिवर्स डायरेक्ट मैं इसका एल निकाल रहा हूँ अब एनआल निकालने के लिए वी आर कंसिडरिंग द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स जिस पॉइंटर पर है लाइक जिस पॉइंटर पर है हम तो हम इससे लेफ्ट में कंसिडर कर लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है सो द आंसर विल बी वन

तो हमारा आंसर क्या रहा है वन टू थ्री वन वन और एक्चुअली में आंसर क्या होना चाहिए था वन वन थ्री टू वन राइट ये हमारा था एल तो अगर हम इसको भी रिवर्स कर दें इसे भी रिवर्स कर दो तो हम यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे खुद ही देखो अगर हमने इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा वन वन थ्री टू वन और ये इससे मैच कर रहा है बहुत ही अच्छी बात है तो ये एक इंट्यूशन थी ठीक है तो ये हमारा ये हमारा रहा है यहाँ पे लॉजिक ठीक है और हमने देखा कि हम एल आई एस से इसको तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और एल डी एस को भी हम लोग एल आई एस से फॉर्म करने का तरीका देख चुके हैं एरे को रिवर्स करो जो आंसर है उसको भी रिवर्स कर दो दैट विल बी इक्वल्स टू एल डी एस ठीक है तो मैं स्क्रीन को रब नहीं कर रहा हूँ एक और पेंट खोल लेते हैं और मैं आपको फिर समझाता हूँ कि एल आई एस सॉल्व करते कैसे उसका कोड क्या उसके स्टेप्स क्या क्योंकि अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है यार अगर हमने एल आई एस को कोड करना अब सीख गए तो खत्म कहानी फिर चलो तो ठीक है हमने जो ड्राई रन किया था हम वहीं से कोड को निकालने की कोशिश करेंगे द एरे वाज व्हाट एरे था हमारा वन टू एरे था हमारा वन टू क्या था फाइव थ्री टू यही था हमारा एरे राइट right? हम क्या कर रहे थे ये इसकी इंडेक्स मार्क कर देता हूँ मैं जीरो वन टू थ्री फोर इंडेक्स मार्क कर दिया मैंने ठीक है तो वी वर फाइंडिंग एल जीरो एल आई ऑफ जीरो तो हमने क्या उसका आंसर वन लिखा था

हम तो इसमें क्या देख सकते हैं कि वी कैन पिक दिस वी कैन पिक दिस एंड वी कैन पिक दिस है ना क्योंकि जिस पोजिशन पर है जिस इंडेक्स पर इसको उठाना तो बहुत जरूरी है है ना तो ये क्या हो गया आंसर थ्री ना एल ऑफ फोर एंड वी आर कंसिडरिंग थ्री एंड टू एंड वी वर लाइक इसको इंक्लूड करना तो बहुत जरूरी है एंड नाउ वट वी वट वी आर डूइंग वी जस्ट ट्रेटिंग इन द लेफ्ट फाइंडिंग द एलिमेंट्स विच आर स्मॉलर एंड वी गॉट वन एलिमेंट दैट इज एट द इंडेक्स और हमने बोल दिया कि ठीक है

ठीक है तो हमारा कोड कैसा दिख रहा होगा कि हम सबसे पहले तो आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन एन आई प्लस प्लस ये हमने ये वाला वर्टिकल वर्टिकल लूप हमने लिखा आई पॉइंटर एंड फॉर एवरी पॉइंटर वॉट वी आर डूइंग डूइंग वी वी आर डूंगट रेटिंग फ्रॉम फ्रॉम दिस इन दिस रेंज राइट एंड दिस रेंज इज वॉट यहाँ पे हमारा आई पॉइंटर था तो ये रेंज हमारा क्या हो जाएगा जीरो से आई तो हम उसे क्या जे असाइन कर देते हैं ठीक तो है हम एक और पॉइंटर असाइन कर देते हैं फॉर जे इक्वल्स टू जीरो j j less than i right and and plus plus in between and what we were searching for search कर रहे थे कि कोई ऐसा element which is, which is less than equals to what array of i है ना विच इज लेस हमने क्या किया ये आई था एंड सर्चिंग फॉर दिस एनी elements इन द लेफ्ट पार्ट विच आर एक्चुअली लेस देन दिस तो वो लेफ्ट पार्ट का पॉइंटर क्या है जे तो यहाँ जे लिख देते हैं हम ऐसा सर्च किए और जैसे ही हमने सर्च किया सो वॉट वी आर अपडेटिंग ये इनिशियली तो वन था एल आई एस में फॉर द फोर्थ इंडेक्स राइट बट वॉट वी डिड वी कंसिडर्ड दिज इन दिस वन राइट एंड वी कंपेयर्ड दैट हमारा पहले आंसर वन था बट आफ्टर कंसिडरिंग एल एल जीरो प्लस वन राइट इट गिवस एस टू हमें इसका मैक्स उठाना है राइट right? तो ठीक है हम लिख देते हैं एरे ऑफ राइट right? हमने एल आई एस की आ रे बनाई है एल आई एस ऑफ आई इज इक्वल हमें एल आई एस ऑफ जे प्लस वन राइट और हम ये वन कहाँ से उठा रहे हैं बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दैट आई एथ पॉइंट एलिमेंट तो हमने वन ले लिया और ये एल जीरो हम पीछे से उठा रहे हैं राइट right? हम पीछे की तरह मूव कर रहे हैं और उसमें जो मैक्स होगा हम वो अपने आंसर इंक्लूड कर रहे हैं तो ठीक है यार ये हमारा हो गया सूडो कोड और एल आई एस राइट होप आपको ये बात समझ में आ रही है थीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो चलते हैं इसको कोड करते हैं तुरंत से अब तो ठीक है सबसे पहले एल आई एस का एक फंक्शन बना लेते हैं अपने कोड में जाके और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार हम देखो ये ओ ऑफ एंड ट्रैवर्सल कर रहे हैं और यहाँ भी ओ ऑफ एंड ट्रैवर्सल कर रहे हैं राइट ओ ऑफ आई एक्चुअली कर रहे हैं बट आई की वर्स्ट केस क्या हो सकती है एन तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर राइट और ये सब में हमने इनिशियली वन फिल किया था बट अब ये क्या हो चुका है ये वन ही है एंड दिस बिकम्स टू दिस बिकम्स थ्री दिस बिकम्स थ्री एंड दिस बिकम्स टू चलो यार अब इसको कोट कर लेते हैं तुरंत से तो okay. so, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें क्या रिटर्न करके देगा एल आई एस का एरे तो इंट एरे एंड लेट्स नेम दिस फंक्शन एज एल आई एस फंक्शन और हम इसमें क्या पास करेंगे एक एरे पास करेंगे और हम उसका लेंथ तो हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे भी ठीक है तो हम अभी इसमें कंपटीशन लगाना है तो सबसे पहले स्कील लेंथ को स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या था हमें एक आई पॉइंट चाहिए था राइट वर्टिकल ट्रेवर्सल के लिए तो इंट आई इक्वल्स टू जीरो इस क्वेश्चन को समझाते समझाते बट ठीक है अब इसमें बस थोड़ा सा ही वेरिएशन था ठीक है फिर हमने क्या किया कि इंट जे इक्वल्स टू जीरो से जे लेस देन आई जाएगा एंड जे प्लस प्लस जाएगा ठीक है अब जो लूप है, हम उसको जीरो से ना चला करके वन से चलाएंगे ऐसा क्यों कहा मैंने ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम एल आई एस निकालने के लिए इस पॉइंट पर थे राइट तो हम लेफ्ट मोस्ट में देख रहे थे तो जो फर्स्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट मोस्ट में तो कुछ नहीं है तो हर केस में उसके लिए आंसर वन ही होगा तो हम लोग बस यहाँ पे टाइप हम लोग एक एरे तो बनाए नहीं मैंने तो एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले एल आई एस New end of size N, and हमें इसका पहला एलिमेंट हमें वन रखना है क्योंकि हमें पता हमेशा one है हमेशा वन ही आंसर आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के इलेवेंट में देर आर नो एलिमेंट्स प्रेजेंट ठीक है और ओके वॉट वी आर संग इफ कोई ऐसा एलिमेंट मिले जे पॉइंटर में जो जो हमारे आई एथ पॉइंट वाले एलिमेंट से छोटा हो राइट एर ऑफ आईट तो ऐसा जैसे ही हो रहा था तो व्यूअर अपडेटिंग दी एल आई एस विथ मैथ डॉट मैक्स एल आई एस ऑफ आई कमा एल आई एस ऑफ जे प्लस वन ये बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है और हमने सबसे पहले एल आई एस को पूरे एरे को वन से फिल करना था तो हम यहां पे लिख देते हैं एल आई एस ऑफ आई इज इक्वल टू वन तो जब भी हम उस उसपे ऑपरेट करेंगे तो ये पहले वन रहेगा है ना कि इज द लीस्ट आंसर और फिर हमेशा अपडेट होते जाएगा ठीक है बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा एल का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड वट वी हैव टू डू जस्ट रिटर्न दिस और ठीक है अब हम अपने मेन लॉजिक पे आ जाते हैं मेन लॉजिक क्या था हमारा कि फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू फाइन दी एल आई एस एंडल तो हमें दो एरे चाहिए जिसमें जिसमें ये एक्स सीरीज मेंटेन होगा और एक वाई सीरीज मेंटेन होगा और का मैक्स निकालना है राइट ये मैंने को समझाया कैसे किया ठीक है तो आ जाते हैं तो एक एक क्या बोलते हैं रिजल्ट एरे बना देते हैं या फिर नाम ही सूटेबल नाम दे देते दे हैं दे एल दे, आई एस एरे ए बना लेते हैं राइट तो मैंने वाई लिखा था राइट इसको एक्स लिख देते हैं इन टेक्स

ठीक है तो x में हमें x आर में हमें एल आई एस को स्टोर करना है तो बस ठीक है सिंपली हम एल आई एस फंक्शन रन कर देंगे और एरे जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज नम्स ठीक है बट अब हमें क्या करना है अब हमें स्टेप टू इज टू रिवर्स दी नम्स एंड वाई को पास करो राइट एंड वाई को हमें लिस्ट फंक्शन में कॉल करना है, है ना और फिर हमें इसे इसे भी रिवर्स करना था राइट right? मैंने आपको बताया था कैसे यहाँ कैसे काम हो रहा है एल आई एस तो हमने सिंपली निकाल दिया एलडीएस निकालने की हम एल आई एस का फंक्शन लिख ही रहे हैं हैं तो उसी से कुछ करके देखते राइट तो जो है बस रिवर्स डायरेक्स में चल रहा था तो हमने आरे ही रिवर्स कर दिया और एल आई एस को कॉल कर दिया और हमारा जो आंसर आया हमने देखा कि वो जो एल डी एस के एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट आया तो हमने वो भी रिवर्स कर दिया ठीक है तो अब इसको कोड कर लेते हैं तो एक एरे रिवर्सल का एक कोड ही लिख लेते हैं यार ताकि बार बार ऊपर लिखना ना पड़े तो void reverse और इसमें क्या जाएगा एरे ठीक है तो रिवर्सल का कोड लिख लेते हैं क्या फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो i less than n by टू then i plus plus और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स और सेकंड और सेकंड लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर लेते हैं तुरंत से इंट टेम्प इज equals to what array of i अब हमें ये फर्स्ट एलिमेंट में और में से लास्ट चाहिए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं array ऑफ आई इक्वस टू आर एफ एन माइनस वन माइनस आई है ना array ऑफ एन माइनस वन माइनस आई इज इक्व टू टेन अब ये मैं नहीं समझाऊंगा यार कि आई से एन माइनस वन माइनस आई ऐसे आया और पूछना विनंत <laughs> खुद ही ड्राइल कर लेना इसका और ठीक है तो हम एक यहाँ पे एक इंट बना लेते हैं एडोडोट लाइन ठीक है हमने रिवर्स फंक्शन ही बना लिया तो स्टेप टू जो था हमें रिवर्स करना है नम्स को है? तो ठीक है हम नम्स को रिवर्स कर लेते हैं हमने कर लिया अब वाई में हम इस फंक्शन को कॉल करा देते हैं दैट इज वॉट एल आई एस ऑफ एल आई एस फंक्शन और इसमें वापस से नम्स आरे पास होगा बट ये नम्स एक्चुअली अब रिवर्स हो चुका है वाई हो गया हमारे पास नाउ वॉट वी हैव हैव टू 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 डू नाउ वी रिवर्स गेट एक्चुअल है ना अब हमें क्या करना है फॉर एवरी आई एलिमेंट फॉर इंट आई टू जीरो आई लेस देन एन एन आई प्लस प्लस राइट हम एक आंसर बना लेते हैं इंट आंसर टू और हम क्या करेंगे अब हमें बस मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन करना है वो मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही समझाया था कि वैसा कर रहे हैं ठीक है तो व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ आई माइनस वन एंड एट लास्ट वी कैन रिटर्न आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बात है तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मैंने कोई गलती तो ना की हो एलाइस का कोड हमने बिल्कुल सही लिखा है ठीक है अब कंपाइल एक बार करके चेक कर लेते हैं तो विदाउट कंपलेशन अगर चल जाए और इतनी अच्छी किस्मत कहाँ तो ठीक है एल में इन्होंने कुछ दे रखा है अच्छा मैंने यहाँ इंट मिस किया है <coughs> और मैंने क्या मिस किया एवरीथिंग सीम्स फाइन नाउ तो लेट्स कंपाइल एंड रन तो बिल्कुल सही बात है यार योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने ये सारे ओ ऑफ वन ऑपरेशन है हमने रिवर्स कैलकुलेट किया तो वो ओ ऑफ एन हो गया राइट तो हमने एन प्लस फिर हमने क्या किया हम एक बार और एन टाइम्स चले सबसे पहले तो हमने एल आई एस कैलकुलेट किया था राइट तो वो एन स्क्वायर था तो वो हो गया एन स्क्वायर प्लस रिवर्स किया हमने तो उसका एन राइट और हमने क्या फिर फिर से हमने एल आई एस कॉल किया फॉर वाई सीरीज एन स्क्वायर देन अगेन वी कॉल द रिवर्स एंड फिर हमने एक और लास्ट में एक एन लूप चलाया टू कैलकुलेट दी मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन ठीक है तो इसका इसको हम लोग वर्स्ट ऑफ एन स्क्वायर ही लिखेंगे बिल्कुल सही बात है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ओ ऑफ एन क्योंकि हमने एरे यूज किए दो राइट फॉर एल आई एस एंड एल डी एस ठीक है तो अब इसे सबमिट कर देते हैं और ये सोल्यूशन है यार तो तो टीएर कोई सवाल ही नहीं उठता है ठीक है तो ये रन हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है मेरा कोड अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन यार ये ऑलरेडी बहुत ही ऑप्टिमाइज लग रहा है मेरे को हमने एल का भी सबसे ऑप्टिमाइज कोड लिखा है एक और ऑप्टिमाइज कोड है एल की वो एनलॉग इन में हो जाता है एक टेल अचीव करके बट दैट ऑप्टिमाइजेशन आई डोंट थिंक कि मुझे वो बताने की यहाँ जरूरत है क्योंकि अगर

ठीक है यार ओके सो खत्म करते हैं इस वीडियो के यहाँ पर एंड लास्ट कुछ बातें यार दिस इज माय डी एस यू कैन स्टार एंड फोक हेल्प अप विद द सोर्स कोड और अपना सपोर्ट दिखा यार अपनी फैमिली और ग्रो करते हैं और साथ पढ़ते हैं और सीखते हैं तब तो तक के लिए बाय टेक केयर और पढ़ते रहो और बस मजाते रहो